आई विल शेयर, बट मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रही हूँ बेटा, ये ऐसे मैम रैंडमली। पीडीएफ 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 हाँ पीडीएफ आई विल शेयर, बट ट्राई टू नोट डाउन ना। यस मैम ओके ओके, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स उसकी स्पीड चेंजेस व्हेन इट। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ बेटा, ठीक है? डिटेल में हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे मीडियम चेंज होने पे लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है एंड व्हाट इज द रीजन क्यों चेंज होती है, वो भी हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी आपके चैप्टर में ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्या नहीं चेंज होता है? वेलोसिटी और स्पीड तो चेंज हो रही है, बट क्या नहीं चेंज होता है? द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम इन ऑल मीडियम्स, चाहे वॉटर हो, ग्लास हो, ऑयल हो, कुछ भी। ओके, अब इतना समझ में आ गया बेटा? ओके, रे ऑफ लाइट क्लियर है, बीम ऑफ लाइट क्लियर है, अब आपने नोट कर लिया बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ। यस मैम। ओके ओके, देखो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, रे एंड देयर इज अ बीम ऑफ रेज, या बीम ऑफ, बीम इज कलेक्शन ऑफ रेज, ठीक है? अब ये जो रेज होती है ना बेटा, ये कैसे कैसे ट्रेवल कर सकती है? तो फर्स्ट थिंग आपने देखा, ये जो मैंने शो किया है, ये कैसा कैसे ट्रेवल कर रही है? दे आर पैरेलल, दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, सो दैट वी कैन से इट इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, राइट? फर्स्ट थिंग आपने देखा, स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, और स्ट्रेट में भी ये आपस में पैरेललली ट्रेवल कर रही है, सो वी कैन से दीज आर पैरेलल बीम, है ना? अब दूसरा कैसे ट्रेवल कर सकती है? मे बी दे कैन ट्रेवल लाइक दिस, राइट हिद्यांश? इसको क्या बोलते हैं हिद्यांश? इफ ऑल द रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट, अगर सारी रेज एक पॉइंट पे मीट होती हैं, देन दिस इज अ कन्वर्जेंट बीम, राइट? कन्वर्जेंट बीम, ये सब आपको डिटेल में इतना टेंथ में कोई नहीं पढ़ाए। हाँ बेटा मैम, मैं आई एम आस्किंग मैम, तो फिर फोकस किसे कहते हैं? फोकस इज अ डिफरेंट थिंग, फोकस अभी आएगा आपको, जब सारी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे सारी लाइट मीट करेंगी, तो उस पॉइंट को हम फोकस भी बोलेंगे। इस पॉइंट में भी आप ये जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ फोकस वी कैन से, क्योंकि फोकस क्या होता है, जिसमें सारे पैरेलल एक साथ लाइट रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे मीट करती है, दैट पॉइंट इज अ फोकस। बट यहाँ पे लाइट किसी भी एंगल से आ रही है, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स, मतलब एक पॉइंट पे दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। ओके, ये हुआ कन्वर्जेंट। सो अगर ये कन्वर्जेंट है, तो ये क्या है भाई? इसको क्या बोलेंगे दानी? मैम आई एम नॉट वेरी श्योर। अच्छा, अगर व्हेन कुछ डिफ्यूज हो रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर। यू कैन से बेटा इट्स अ डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट, एक पॉइंट से लाइट का स्कैटर्ड होना, डाइवर्ज होना, या फिर इसको बोल सकते हैं कि सारी लाइट अवे जा रही है, एक पॉइंट से दूर दूर हो रही है, सो दिस इज अ डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्ज Gen beam. Do you want to write the definition of these two? Yes, ma'am. Achha, okay, so likh lo beta. Divergent ke aage, a beam of light in which the light ray. are
directed away from a point. अगर एक पॉइंट से लाइट अवे जा रही है, स्कैटर्ड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसको हम डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं. तो व्हाट अबाउट द कन्वर्जेंट, इसको भी लिख लो बेटा. मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए. अच्छा, ऐसे ऑनलाइन पढ़ने में मजा आता है ना, ये क्लियर रहता है ना दानी? यस मैम. अब कन्वर्जेंट की लिख लो बेटा आप लोग. अ बीम ऑफ लाइट इन विच द लाइट रेज आर डायरेक्टेड towards a point. इसमें देखो सारी लाइट रे एक पॉइंट में मीट हो रही है, तो क्या हो रहा है, सारी लाइट रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पॉइंट. डायरेक्टेड टूवर्ड्स और डायरेक्टेड अवे, ये दो पॉइंट आप याद रखो, है ना. एक पॉइंट से निकल रही है लाइट रे, तो दैट मीन्स देर इज अ डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रे. एक पॉइंट पे मीट हो रही है, दैट इज अ कन्वर्जेंट बीम. क्लियर है? Yes, ma'am. Myra, clear into? Yes, ma'am. Okay. आप लोग नोट कर लो. नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ. No, ma'am, one second. अच्छा, ओके बेटा. अब देखो, मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लाइट, आप वो भी आंसर कर सकते हो. डिफाइन अ रे एंड बीम ऑफ लाइट, यू कैन आंसर. डिफाइन ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब क्या होता है. जैसे क्वेश्चंस मेरे सामने है बुक में, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ. ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है बेटा जिसमें लाइट पूरी की पूरी पास हो जाए, लाइक अ ग्लास, वॉटर, एयर, है ना, एनी मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास. तो दैट इज अ ऑप्टिकल मीडियम. डू यू वॉन्ट टू राइट द डेफिनेशन ऑप्टिकल मीडियम की? यस मैम. ओके ओके, ठीक है. जितना मैं पढ़ाऊं लास्ट स्लाइड आल्सो वंस, आई जस्ट वांटेड टू सी वन थिंग. ओके हृदयांश, दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप लोग ना एक एक चीज नोट कर रहे हो इतना डिटेल में. मैं एक्चुअली आपको भी क्या कर रही हूँ, मैं एट्थ का पढ़ा रही हूँ, है ना. लाइफ जो है ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके टेंथ में एट्थ का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं है, स्टार्टिंग ही नहीं है. वो स्टार्टिंग आपकी स्फेरिकल मिरर से. तो मैं आपको ये ट्राई कर रही हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा पीछे का हम लोग रिविजन कर ले, क्विक रिकैप हो जा रहा है, ताकि आपको ये जो टॉपिक है लाइट वो बहुत अच्छे से समझ में आए. ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ. अच्छा ओके, तो फर्स्ट वन, दिस वन. Ma'am, yeah, I just wanted to see the definition once. I was. Ah, do it fast, Hridayansh, because we have way less time. Ma'am, yeah, it's done. Ma'am. Okay. हाँ चलो, आप लोग ऑप्टिकल मीडियम का मतलब और लिख लो. ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, जब आप इस पूरी चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो बार बार एक टर्म होगा यूज, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम. तो जब बच्चों को ऑप्टिकल मीडियम पता होता है तो क्लियर समझ में आता है. ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम का मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट करे, प्रोपोगेट कर जाए, है ना. तो जैसे लाइक अ ग्लास, वॉटर, एयर, उसको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं. So write the definition, any medium through
which light can pass. Pass का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, light का propagate होना, ठीक है, propagate होना is called optical medium. अब एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. लाइक अ ग्लास, लाइक अ वॉटर, लाइक अ एयर एटसेट्रा. लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. Okay. अब आपको मीडियम पता चल गया, ठीक है. अब देखो, वैसे तो बहुत सारी और भी चीजें हैं डिटेल में कि लाइट के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, जो क्लास 8th में आपने पढ़ा. मैं बस बोल के एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ. लाइक लाइट के सोर्सेस की अगर बात करें, देर आर टू सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज. नेचुरल में हो गया सन, आर्टिफिशियल में ट्यूब लाइट और टॉर्च, ये सब हमारे आर्टिफिशियल सोर्स हो गए, ठीक है. मीडियम की अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ थ्री काइंड्स ऑफ मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम, ठीक है. ये सब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा. ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब थ्रू विच लाइट पास, मतलब फुल्ली लाइट पास होती है ना. जैसे ग्लास हो गया हमारा, वो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ट्रांसलूसेंट मीडियम जिसमें लाइट पार्शली पास होती है, कुछ पास होगी कुछ नहीं होगी, लाइक अ बटर पेपर. एंड ऑप्टिकल, सॉरी ओपेक मीडियम क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट ओपेक मीडियम? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. हाँ, थ्रू विच लाइट नॉट पास, लाइक अ टेबल चेयर, हमारी बॉडी या कुछ भी, जो भी चीजें आपको दिख रही है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उससे मतलब पास नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है बल्कि उन चीजों से लाइट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो लाइट पूरी पूरी पास हो गई ना, तो रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई. रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? जब ये ओपेक मीडियम्स हमारे कुछ में कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना. तो ये सब एज में आपने पढ़ा था. अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्योम? Vyom, what is the reflection of light? Bouncing back of light is reflection of light. Bouncing back of light. बहुत short में मैंने लिखा है. Bouncing back of light is a reflection of light. Means when light strike towards the surface, it will bounce back. है ना, जैसे हमने किसी सरफेस में बॉल फेंकी, ठीक, यहाँ पे बॉल स्ट्राइक करी, फिर बॉल वापस मतलब स्ट्राइक करके आती है ना. तो जस्ट लाइक अ बॉल, यू कैन से लाइट का बाउंस बैक होना, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, नाउ हृदयांश, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रे? नाम द विच वन? दिस वन, दैट्स द इंसिडेंट रे. Yes, correct. This is the incident ray. What is the incident ray? How to define incident ray? Incident ray is a ray which strike the mirror, which first strike the mirror. You can say na ki koi light jo pehle surface pe jaake strike kari, jo strike karti hai wo incident ho jati hai, jo bounce back karti hai usko kya bolte hain? Flash. Reflected ray. Good. Reflected ray. वेरी गुड. और ये जो सरफेस है बेटा, ये आप ऐसे से डॉट इसको कर लो, ये दिस इज अ सरफेस. ओके, सरफेस. अभी सरफेस पे स्ट्राइक करी. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है हृदयांश, उसको क्या बोलेंगे? मैम द नॉर्मल, नो आई थिंक दैट वाज द लाइन. इट्स अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नोट डाउन प्लीज. Point of incidence. Point of incidence मतलब
जो पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है, मतलब यू कैन से द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द मिरर. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नॉर्मल? मायरा, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन जो इट्स अ लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना. इट्स अ इमेजिनरी लाइन. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर रहता है. यस, इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो ज्वाइन करते हैं ना हम परपेंडिकुलर लाइन, दैट लाइन इज अ नॉर्मल. क्लियर है? यस मैम. चलो अब देखो बेटा, नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन नॉर्मल टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? The angle between reflected ray and normal is angle of reflection. Clear? Yes, ma'am. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Angle of incident, angle of reflection, kushab, rayyan, सबको समझ में आ रहा है? किसके बीच में angle होता है? वो बहुत अच्छे से समझना है. Normal से incident के बीच का angle, angle of incidence. Normal से रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ऑलराइट, सो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं रिफ्लेक्शन में, कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग ए बैक ऑफ लाइट, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलो नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट चीज. Mama, noted it down. You noted? Yes, ma'am. Okay. अभी बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किसी को आइडिया है व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दानी? यस मैम. मैम आई थिंक देयर आर टू ओनली. अगर मैं बोलू तीन है तो? मैम टू और थ्री, आई रिमेम्बर टू और वन आई थिंक. दानी बताओ जल्दी. यस मैम, वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैम, देयर आर टू अकॉर्डिंग टू मी. द फर्स्ट वन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वेरी गुड. द अदर वन इज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल ऑफ देम दे लाई यही दो है, तीसरा तो मैं बताऊंगी आपको कौन सा है. ठीक है, बट वेरी गुड. सो फर्स्ट एक बार मैं बाकी बच्चों को भी बता दूं कि क्या दानी ने बताया. फर्स्ट लॉ क्या बोलता है बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करना चाहिए. मतलब अगर जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक कर रही है बेटा, उसी से लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी, है ना. एक ही पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि टेबल पे लाइट स्ट्राइक करी और फैन पे जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है. नहीं भाई, जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करेगी, जिस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, वहां से ही बाउंस बैक करती है. क्लियर? ये फर्स्ट लॉ है. सेकेंड लॉ क्या है? जिस एंगल से लाइट स्ट्राइक करती है, उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है. ठीक है, मीन्स आई इज इक्वल टू आर. थर्ड कौन सा है? तो थर्ड लॉ है, अगर लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, मतलब जो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज ए इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. मतलब ये जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर होती है. अब लाइट ऐसे ऐसे आ रही है तो हम उसके एंगल तो निकाल लेते हैं, लेकिन अगर लाइट नॉर्मल ही स्ट्राइक कर रही है, मतलब यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है,
यही रिफ्लेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा? इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू जीरो, कोई भी एंगल नहीं फॉर्म्ड होगा. अगर व्हेन द लाइट स्ट्राइक नॉर्मली टुवर्ड्स द सरफेस तो एंगल आई आर इज इक्वल टू बिकम्स जीरो. क्लियर है? मैम प्लीज कुड एक्सप्लेन दिस वंस अगेन. यस, आई एम सेइंग व्हाट इज नॉर्मल. नॉर्मल इज इमेजिनरी लाइन व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ना अब नॉर्मल से इधर आ रही है लाइट, इधर जा रही है, तब तो हम लोग एंगल आराम से निकाल देते हैं, राइट. लेकिन लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर जाएगी सरफेस में तो क्या होगा? यही नॉर्मल हो गई, यही इंसिडेंट हो गई और इसी से लाइट बाउंस बैक भी कर गई. तो इस केस में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होता. ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन लाइट स्ट्राइक नॉर्मली टुवर्ड्स द सरफेस तो कितना एंगल फॉर्म होगा? तो आंसर इज जीरो. समझ में आया? यस मैम. यस मैम. दानी? यस मैम. मतलब समझ में आया ना, नॉर्मल पे ही लाइट स्ट्राइक कर गई, मतलब परपेंडिकुलर लाइट पड़ गई तो उसी से बाउंस बैक भी कर जाएगी, तो कोई एंगल नहीं फॉर्म्ड होगा क्योंकि एंगल जो बनता है वो नॉर्मल से लिया जाता है, नॉर्मल से इधर, नॉर्मल से उधर. बट लाइट नॉर्मल पे ही स्ट्राइक कर गई तब क्या होगा भाई? तो कोई एंगल नहीं फॉर्म्ड होगा. ठीक है? Yes, mom. Thank you, mom. Okay, बेटा. अब देखो, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका प्लेन मिरर है. मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, प्लेन मिरर बस आपको ये बता देती हूँ कि प्लेन मिरर जो होता है, व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज ए फ्लैट पॉलिश स्मूथ सरफेस. हाउ टू डिफाइन प्लेन मिरर? प्लेन मिरर इज ए फ्लैट पॉलिश स्मूथ सरफेस. ये हमारे सामने प्लेन मिरर रखा है और इसके सामने हम अब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे. ठीक है? फ्लैट पॉलिश स्मूथ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट, सो आई थिंक दैट वुड बी द डेफिनेशन देन. हां हां, आप डेफिनेशन में लिख सकते हो बिल्कुल. मतलब प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर हमेशा फ्लैट होता है ना, और प्लेन मिरर और उसमें क्या डिफरेंस है? स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कर्व्ड होता है, और प्लेन मिरर कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, है ना? Yes, ma'am. लिखी लो, स्मूथ हाईली पॉलिश्ड, एक पॉलिश्ड सरफेस, हाईली फ्लैट पॉलिश लिख लो तो ज्यादा बेटर है, फ्लैट, है ना? क्योंकि प्लेन मिरर के बाद जब स्फेरिकल करोगे उसमें सरफेस कर्व्ड होती है ना, और प्लेन मिरर में सरफेस कर्व्ड नहीं होती, वो फ्लैट होती है. फ्लैट सरफेस कैपेबल, ये भी एक ऐड कर सकते हो कि जो कैपेबल है सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कराने में, कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट. 100% तो कुछ भी नहीं होता, आप उसमें लिख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट. ठीक है, तो दिस इज अ प्लेन मिरर. अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं क्योंकि जगह कम है. ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर जब भी आपको बनाना है दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको हॉरिजॉन्टली रखो या आप वर्टिकली इस तरह से भी कर सकते हो. मैं आपको बोलूंगी आप वर्टिकली ऐसे रखो क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे उसकी राइट में उसके ऑपोजिट इमेज फॉर्म्ड होती है, तो आई थिंक दिस वन इज बेटर टू फॉर्म लेफ्ट एंड राइट इमेज, राइट. सो आप किसी भी मोड में लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो भी आपको प्रेफर हो. बट मैं आपको बता देती हूँ कि करना कैसे. आपने मिरर बनाना है, ठीक है, उसको एक साइड पॉलिश कर दिया. ये जो मैं लाइन लाइन कर रही हूँ बेटा, दिस इज द मतलब जस्ट द पॉलिश सरफेस. तो एक साइड जिसको हम पॉलिश कर देते हैं दैट इज नोन एज अ पॉलिश्ड सरफेस. द सरफेस व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन द साइड इज अ पॉलिश सरफेस. एंड व्हाट अबाउट दिस सरफेस? ये कौन सी सरफेस हो गई? कुशाग्र.
दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके द अदर साइड. बिकॉज़ हृदयांश दिस इज अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना. यहाँ पे सामने की तरफ लाइट आएगी और स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. राइट. यस मैम. तो दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. द अदर साइड इज पॉलिश सरफेस. तो लाइट जो है वो इधर से आएगी, ठीक है, और इधर से बाउंस बैक करेगी. अब इसका हमें बनाना है डायग्राम, मतलब फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ रे डायग्राम. इसका हमको रे डायग्राम बनाना है कि किस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखें तो इमेज कैसे फॉर्म होती है. जल्दी से देख लो. इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. ओके बेटा, प्लेन मिरर में हम लोग अब इमेज फॉर्मेशन कर दे. कैसे इमेज फॉर्म्ड होगी देखो भाई. हमने एक मिरर रखा यहाँ पे, उसको पॉलिश कर दिया. ओके, अब इसके सामने सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है. एक पॉइंट मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, ऑब्जेक्ट को हमेशा इसी तरह से प्लेस करना. क्यों, ऐसे क्यों नहीं सिर्फ ऐसे रख दे, हम लाइन खींच दे तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, कोई बता सकता है? डिफरेंस इज दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम इज इन दिस, मतलब जो मैंने इसमें सिंबल रिप्रेजेंट किया है ऑब्जेक्ट के लिए, दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली शोज कि दिस इज द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द टेल. राइट दानी? यस मैम. लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक लाइन खींच दी तो क्या इसका हेड और टेल क्लियर हो रहा है? लाइक जैसे मैंने कहा, समझो मैंने ऐसे क्यों बोला, जो प्लेन मिरर होता है ना बेटा वो हमेशा सीधे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज फॉर्म करता है. लाइक दिस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज बन गई. राइट. अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया और मैंने ऐसे इसकी इमेज फॉर्म कर दी तो क्या इससे क्लियर हो रहा है कि ये सीधे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज है? उल्टी भी तो हो सकती है. Yes, ma'am. Right? That's why I'm saying always represent object like this, not like this. Okay? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि जब आप स्फेरिकल मिरर करोगे तो आप सीधे ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज भी कुछ मिरर बनाएंगे. तो अब इससे समझ में आ रहा है ना कि ये सीधा ऑब्जेक्ट है, ये उसकी उल्टी इमेज है, ये सीधा ऑब्जेक्ट है, दिस इज द इन्वर्टेड इमेज. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको, इसलिए इसको ठीक से सुनना बेटा आप लोग. अब देखो एक चीज, चैप्टर स्टार्ट करना बहुत इजी है बट चैप्टर को ढंग से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ढंग से मतलब एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. ठीक. अब देखो मैं आपको अभी से आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको समझना कैसे है. ठीक. ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करना है. आई इज रिप्रेजेंटिंग द इमेज. ठीक. अब देखो जब भी आपके ऑब्जेक्ट इधर आपने लेफ्ट में रखा है उसकी इमेज आप उसके ऑपोजिट साइड में फॉर्म कराओगे. और अगर इमेज आपकी सीधी फॉर्म्ड हो रही है, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट है सीधी इमेज बन रही है. राइट. सो यू हैव टू से, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इज द, कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. What is the mean of erect? Why I'm saying to, मतलब note down, this point is very important. Erect मतलब सीधा. Erect means सीधा, straight. Clear? और जब भी सीधी इमेज बनेगी ना बेटा तो वो हमेशा कैसी होगी? वो virtual image होगी. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस. इफ देर इज अ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी फॉर्म स्ट्रेट, सीधी, तो दैट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दैट मीन्स द सीधी इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर है? यस मैम. नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सो इसको ध्यान से सुनना. अब आपने ऑब्जेक्ट रखा, सपोज कोई मिरर दूसरा आ गया, ठीक है. अभी मैं ये मिरर वाइज नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ. आगे चल के आप जब स्फेरिकल मिरर करोगे तो आपको देखोगे कि कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट तो सीधा रख रहे हो लेकिन उसकी उल्टी इमेज बन रही है. ये दिख रहा है ना, इसका हेड नीचे हो गया इधर, राइट. सो इस तरह की उल्टी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा. देखो मैंने हिंदी भी कितनी अच्छे से लिखी है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है. अब जो उल्टी इमेज बनती है बेटा वो हमेशा रियल होती है, क्लियर है. सीधी इमेज जो दिख रही है वो एक्चुअल में तो सीधी है लेकिन वो वर्चुअल होती है. जो जो रियल इमेज हो रही है वो उल्टी दिख रही है भाई, है ना. तो ये पॉइंट अभी से आपको क्लियर होना चाहिए कि इरेक्ट इमेज इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल इन नेचर. इज दैट क्लियर? नोट कर लो पहले. अच्छा किसने किसने मेरी तरह इसे हिंदी में लिखा है इधर? मम्मी. ओके मुझे तो लगता नहीं आप लोग ऐसे हिंदी में भी लिखते होंगे. वो मैंने बस इसलिए समझाया, इरेक्ट को मैं और वर्ड में नहीं समझा पा रही थी. दैट बिकम्स अ स्ट्रेट एक्चुअली, राइट. स्ट्रेट को मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है. एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा. मायरा, सॉरी मान्या, नहीं मायरा, मायरा. यस मैम. बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके आप नोट कर रहे हो? यस मैम लिख लिया. चलो अभी जब लास्ट में ना सबका कैमरा ऑन करवा के मैं सबकी देखूंगी कि कैसे सबने नोट किया भी है या ऐसी, ठीक है. दानी हो गया? यस मैम. कुशाग्र व्योम? यस मैम. यस मैम. बेटा बता दिया करो फिर ना, क्योंकि जल्दी से मुझे आगे भी करना है फिर. तो अब मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ. अच्छा नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों से. अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज फॉर्म कराएंगे, जो कि लास्ट में मैंने हेडिंग डाल रखी है. यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, जो मैं स्टार्ट करने जा रही थी फिर मैंने आपको इसी यहीं पे समझा दिया ये. तो अब यहाँ पे इसकी हेडिंग की जरूरत नहीं है. अब देखो अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई हम सीधा ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है. रख दिया, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक. अब इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कराने के दो मेथड बहुत इजी मैं बता रही हूँ. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के हेड से मिरर पे एक स्ट्रेट लाइन डाल दो. अब आपको अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मैंने आपको बताया था ना कि लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे तो नॉर्मल ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना भाई. आपको दिख रहा है ऐसे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है दानी? यस मैम. ठीक है, डाउट मैम. बोलो मैम. हाउ वुड वी फ्रेम थर्ड लॉ, सो इफ लाइट स्ट्राइक्स परपेंडिकुलरली देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस इज जीरो लाइक दैट? बिकॉज़ स्ट्रेट लाइन, देयर इज अ सरफेस एंड दैट नॉर्मल इज व्हाट, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड वी ऑलवेज फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहां से नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, नॉर्मल से कितना रिफ्लेक्ट हुई. बट अगर लाइट नॉर्मल पे ही स्ट्राइक करेगी तो कोई भी एंगल नहीं फॉर्मड होगा, राइट प्रदर्श? यस मैम. तो अब देखो एक काम आपको क्या करना है, बहुत सारे आप लोग बच्चे आप लोग अभी ड्रॉ करने लगे होंगे, अभी मत ड्रॉ करो, पहले मेरा पॉइंट सुन लो. ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक. ऑब्जेक्ट में मैंने सबसे पहला काम किया एक स्ट्रेट लाइन खींच दी उसके हेड से, यहाँ गई.
यू कैन ड्रॉ कि आप उसके टेल से भी एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ना उससे बहुत क्लियर हो जाता है, लाइट गई स्ट्रेट. अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि आपने इससे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे उसकी इमेज बन जाएगी. ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके हेड से अब मिरर पे कुछ एक और लाइन लेके आनी. सपोज यहाँ पे आपने स्ट्राइक कर दिया, ठीक, यहाँ पे आपने स्ट्राइक कर दिया तो लाइट यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी. अब क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग ए नॉर्मल. यहाँ फर्स्ट वाले में लाइट स्ट्रेट नॉर्मली स्ट्राइक हुई थी तो नॉर्मल ही रिफ्लेक्ट हो गई. बट सेकेंड केस में अगर हमने लाइट रेस को थोड़ा एंगल से शिफ्ट किया, मतलब यहाँ से देखो ना थोड़ा सा एंगल शिफ्ट हो गई ना, ऐसे पहले जा रही थी अभी इधर शिफ्ट हो गई है ना, तो थोड़ा सा एंगल शिफ्ट किया तो अब यहाँ पर आप उसका रिफ्लेक्शन भी शो करोगे. हमेशा जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको थोड़ा सा आप डॉटेड डॉटेड करके यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसको पीछे की तरफ आप वर्चुअली रिप्रेजेंट करोगे. ये लाइट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको भी वर्चुअली ले जाओ. तो जिस पॉइंट पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहां पे इस ऑब्जेक्ट का हेड बन जाता है. ठीक, अब दूसरा हम क्या करते हैं, एक और लाइट ले लेते हैं उसकी टेल से, लाइक दिस. ये लाइट गई, अब यहां से रिफ्लेक्ट हो गई. ये वाली लाइट को भी रिफ्लेक्टेड को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ डॉट डॉट. इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना. ये यहाँ पे डॉटेड गई, इसकी जो रिफ्लेक्टेड जो इसके बेस से गई थी उसको पीछे की तरफ डॉट 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 करेंगे. इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है. तो अब देखो ये हमारा प्लेन मिरर का रे डायग्राम है. तो जो ऑब्जर्वर है, सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना लिया हु इज ऑब्जर्विंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो क्या देख रहा है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज किधर फॉर्म हो रही है, इस साइड. और ये इमेज कैसी बन रही है, सीधी दिख रही है ना, तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये हमारी इमेज है. इस तरह से आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना होता है. हालांकि प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप देख लो, मतलब ट्राई कर सकते हो, लेकिन आगे आपको रे डायग्राम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी फॉर द स्फेरिकल मिरर्स. चलो इसको ड्रॉ कर लो आप लोग. मेरा जब हो जाए बता देना मुझे. Done, ma'am. दानी, मायरा, कुशाग्र, व्योम, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ डॉटेड करना है, इंसिडेंट को नहीं करना है. ये आपके सिलेबस में नहीं है प्लेन मिरर, तो एकदम मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लो, प्रैक्टिस कर लेना, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको स्फेरिकल में ज्यादा मैं करवाऊंगी प्रैक्टिस. जो प्लेन मिरर होता है बेटा उससे जो इमेजेस फॉर्म्ड होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है. सेकंड, सेम साइज की इमेज बनती है.
सेम हाइट की बनती है, मतलब सेम डिस्टेंस बोल दें, सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितनी डिस्टेंस पे हम होते हैं उतनी डिस्टेंस पे इमेज भी बनती है, सेम कलर की बनती है, एंड फिफ्थ वन लैटरली इन्वर्टेड बनती है. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट अपीयरिंग राइट एंड राइट अपीयरिंग लेफ्ट. ये सब क्लास एट्थ का मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है. I'm done. What? Yes, ma'am. I'm just one second. We don't do it fast. आप लोग लेट कर रहे हो. हाँ हो गया. हाँ क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन दे दूँ और फिर उसको बाद में डिटेल में करेंगे. आज के लिए इतना ही फिर कर लेते हैं. आप जल्दी से बस कर लो ये. हो गया? Yes, ma'am, done. Okay. Myra? Yes, ma'am, done. देखो मैंने कितना अच्छे से बनाया है ये. देखो देख रहा है ऑब्जर्वर नहीं. ओके नेक्स्ट आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द स्फेरिकल मिरर. अब आपका क्लास 10th से स्फेरिकल मिरर, यहां से आपका क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट होता है. ठीक है? तो मैम इतनी देर से क्या कर रही थी? पका रही थी आपको. ओके वो इंपॉर्टेंट था इसलिए जस्ट अ रिवीजन. ठीक है? ओके स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, व्हाई वी यूज स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, क्यों जरूरत है यार? हमारा प्लेन मिरर से काम चल रहा था लेकिन अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग सी इमेजेस बनानी थी, कुछ छोटी कभी बड़ी इमेज, राइट? प्लेन मिरर में सेम साइज की इमेज देके ना बोर हो गए थे तो हमें स्फेरिकल मिरर की जरूरत पड़ी. तो स्फेरिकल मिरर को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कर्व्ड मिरर. कर्व मिरर. प्लेन मिरर कर्व मिरर में क्या डिफरेंस है? कर्व मिरर होता है स्फेरिकल मिरर और फ्लैट मिरर है आपका प्लेन मिरर. ओके सो कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर. चलो नोट कर लो इसकी, थोड़ा सा ढंग से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है. कुछ नहीं याद आएगा तो लिख दोगे कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है? अब इसको अच्छे से नोट कर लो. मिरर विच हैव curved reflecting surface, curved reflecting ठीक है? अब देखो भाई कर्व मिरर कैसे बनाते हैं. प्लेन मिरर में क्या था और कर्व्ड में, लाइक ये आपको दो कर्व्ड सरफेस दिख रही है ना. जब हमने देखा कि प्लेन मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कैसी बन रही थी? सेम साइज, सेम डिस्टेंस, कितनी दूर पे भी ले जा रहे हैं ना तो हम सेम उसके दिख रहे हैं, मतलब
कोई चेंजेस नहीं है बॉडी में, कुछ छोटा सा चेंज बड़ा सा कुछ भी नहीं, सेम जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हो रहा है, राइट। बट स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा डिफरेंट देखा गया। स्फेरिकल मिरर में आपने देखा कि अगर हम इस तरह की सरफेस, देखो इसमें हम क्या करते थे, एक साइड को पॉलिश कर देते थे, ऑब्वियसली पॉलिशिंग सरफेस इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज लाइट विल पास ना, पूरी पास हो जाएगी। तो एक बार क्या करते हैं, हम सरफेस की एक साइड को पॉलिश कर दिया हमने इस तरह से। इफ आई पॉलिश द आउटर सरफेस ऑफ दिस कटिंग पार्ट, कटिंग स्फीयर की अगर मैंने आउटर लेयर को पॉलिश किया, तो दिस इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर, केव मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। फिर से सुनो, इफ आई पॉलिश द आउटर सरफेस ऑफ दिस कटिंग स्फीयर, इट्स अ कॉनकेव मिरर। If I polish the inner surface of this layer, if I polish the inner surface of this sphere, it's a convex mirror. Convex mirror. All clear, bhai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Writing it down. मजा आएगा यार, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पता है? तो अब देखो, ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब क्या डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में? पहला तो डिफरेंस आपको ऐसे समझना है कि जो प्लेन मिरर, उसमें सेम साइज की इमेज बन रही थी। कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे थे, तो उसमें देखा गया कि हमें उसकी उल्टी और बड़ी इमेज दिख रही थी। कॉन्वेक्स में देखा गया कि ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा, उसकी छोटी इमेज बनी, और कैसी बनी? सीधी इमेज बनी। और सीधी इमेज कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल होती है। और उल्टी इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल इमेज होती है, है ना भाई? अगर आपको याद हो, O N I like this, ठीक। आप देखो, हाँ, तो अब देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रही हूँ। आप सबके घर पे स्पून तो होगा भाई, ठीक है? मैंने स्पून बना लिया, एक हालांकि दोनों स्पून में ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फ्रंट फेस है या कौन सा वो, तो उसको आप समझाने के लिए मैं आप मतलब मेरे एग्जाम्पल के बाद आप चेक भी कर लेना, ठीक है? कि अगर आपने स्पून को अपने साइड रखा, सपोज ये आपका फेस है लाइक दिस, ठीक। अगर इमेज सीधी बन रही है और एक तरफ आप देखोगे उल्टा करके, उल्टी इमेज बन रही होगी, है ना? तो कब सीधी बन रही है, कब उल्टी बन रही है, जाके अपने प्रैक्टिकल करना, तब समझ में आएगा कि उल्टी इमेज। अभी मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, कॉनकेव मिरर में उल्टी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में सीधी इमेज बनती है। तो इन दोनों में से बता सकते हो कि कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव? Yes, concave and convex. तो ये देखा ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर आया आपका प्लेन मिरर से इसमें, राइट? कॉनकेव मिरर में जब आप देखोगे बेटा, तो आपको उल्टी इमेज दिखेगी एंड कॉन्वेक्स में आपको सीधी इमेज बनी होगी। तो ये आपको तो पहला डिफरेंस यही समझ में आ गया। दूसरा कि कौन सी मिरर में हम किस तरह पॉलिश करते हैं, वो भी एक बड़ा डिफरेंस है। कॉनकेव में हम आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं, कॉन्वेक्स में हम इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं, ठीक है? अब देखो, स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे जाता है, ये तो मैंने एक आपको मिरर का जस्ट डेमो दे दिया। अभी देखो मिरर कैसे बनाते हैं। सपोज हमने एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ले लिया, एक सेकेंड, इसमें इतना अच्छा नहीं बना है,
बस ये लास्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। अब ये होलोस्फेयर ले लिया हमने, उसको दो पार्ट में कट कर लिया, जैसे आपके पास सपोज प्लास्टिक की बॉल है और आपने बीच से उसको दो पार्ट में कट किया, राइट। तो जब दो पार्ट में कट करोगे तो क्या आपके पास दो पार्ट ऐसे आए, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट में। तो अगर इफ योर बॉल इज द आउटर सर्फेस, दिस इज नोन एज अ कॉनकेव मिरर। If you polish the inner surface, this is known as convex mirror. Okay, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक और definition लिख सकते हैं for a spherical mirror. Just note down, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface का मतलब इनर और आउटर सरफेस। जैसे इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इस साइड, राइट। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इस साइड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप ब्रैकेट में क्या भी लिख सकते हो, इनर और आउटर सरफेस, ठीक है। इज द part of a hollow sphere of glass. Right, इसको नोट कर लो बेटा। इसमें ये वाली सरफेस जो इधर है वो पॉलिश सरफेस है, इधर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस वाले में ये पॉलिश सरफेस है इस साइड की और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इससे रिलेटेड होते हैं, बट फिलहाल के लिए आप इतना नोट कर लो।